पता है आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम सीखेंगे अल्फाबेट्स और उन्हें करेंगे पेंट। तो चलो शुरू करें। सबसे पहले लेटर ए, फिर बी, सी, डी, उसके बाद ई, फिर एफ, जी, जी के बाद एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी और फिर यू, वी, डब्लू, एक्स, वाई, जेड। सीख ली हमने ए बी सी। अब बारी है पेंटिंग की। ए होगा रेड क्योंकि ए से आता है लाल लाल एप्पल। बी होगा येलो जैसे बी फॉर बनाना। सी रहेगा पर्पल, सी फॉर कैट। ग्रीन जाएगा डी में क्योंकि डी से आता है डायनासोर। ई में भरो पिंक, बताओ ई से क्या आता है? हाँ, एलिफेंट। ब्लू जाएगा एफ में, एफ फॉर फिश। आगे बढ़ो और जी में येलो कलर भरो, जी से येलो जिराफ। अब बारी है एच की, एच में भरो हरा भरा ग्रीन। आई सी ब्लू होगा आई के लिए। अब जे में भरो जेली वाला पिंक कलर। चमकीला गोल्डन जाएगा के में। एल होगा लाइट ब्लू, बुहू। एम को कर दो रेड। एन में भरो पर्पल, एन फॉर नर्स। ओ पर भी चमकीला गोल्डन कलर, ओ फॉर ऑरेंज। रेड जाएगा पी में, पी से पैरेट। क्यू फॉर क्वीन, इसलिए लिया हमने ग्रीन। आर में भरो ब्लू, आर से होता है रेनबो। येलो रहेगा एस के लिए, एस फॉर येलो सन। बिल्कुल सही। पिंक है टी के लिए, टी फॉर टी शर्ट। बारी है यू की, इसके लिए पर्पल कलर कैसा रहेगा? येलो भरेंगे वी में, वी से विक्ट्री। डब्लू से आता है विंडो और वो होगा पिंक, लवली। गोल्डन लेंगे फिर से एक्स के लिए। ग्रीन जाएगा वाई पर, यो यो। आखिर में जेड जो होगा रेड। बहुत बढ़िया दोस्तों। तो आज हमने ढेर सारे कलर्स के साथ साथ क्या सीखा? अल्फाबेट्स। फिर मिलेंगे। हेलो दोस्तों, क्या आपको फल खाना पसंद है? मुझे तो है। तो चलो इन ग्लिटरी फ्रूट्स को ड्रॉ करते हैं। शुरू करेंगे मेरी फेवरेट चेरी के साथ। दो चेरीज, उसका स्टेम और लीव्स। क्या आप गेस कर सकते हो ये फ्रूट कौन सा है? जी हाँ, ये है बनानास यानी केले। फिर बनाएंगे एक बड़ा सा एप्पल यानी सेब। अगली बारी है पैर की। बहुत अच्छे दोस्तों। अब एक वाटरमेलन का स्लाइस तो बनता है। वाटरमेलन की सीड्स मत भूलना। आखिर में एक बंच ऑफ ग्रेप्स यानी अंगूर का गुच्छा। बिल्कुल ऐसे ही, बहुत बढ़िया। टाडा! अब इन फलों में रंग भरते हैं। सबसे पहले ग्लिटरी ग्रीन चेरी के लीव्स पर और शाइनी रेड चेरीज के लिए। यम्मी। तो चलो बनानास पे फिल करो स्पार्कलिंग येलो।
बनानास हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब ब्राउन कलर टिप और स्टेम के लिए। दोस्तों बताओ एप्पल कौन से कलर का होता है? हाँ, शाइनी रेड। ये बन गया हमारा एप्पल। खाना ये कितना सिंपल। अब बारी है पेड़ की। लीफ पर डार्क ग्रीन और पेड़ पर लाइट ग्रीन कलर। लाजवाब। वाटरमेलन भी होता है रेड कलर का, तो हम लेंगे शाइनी रेड कलर। और लाइट ग्रीन वाटरमेलन के राइन के लिए। ग्रेप्स में भरो ग्लिटरी पर्पल। गुड जॉब। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शाइनी लाइट ग्रीन पत्तों के लिए। ये फ्रूट्स दिखने में कितने स्वादिष्ट लग रहे हैं। मैं तो जा रही हूँ इन्हें खाने। ये बन गए हमारे फ्रूट्स। फिर मिलेंगे। बाय बाय। दोस्तों आज हम ड्रॉ करेंगे शेप्स। सबसे पहले एक बड़ा सा सर्कल, फिर एक ट्रायंगल, उसके बाद हार्ट का शेप और आखिर में एक स्क्वायर। शेप्स को थोड़ा और क्यूट बनाने के लिए ड्रॉ करो क्यूट सा फेस। दो आंखें और एक स्माइली। आईब्राउज को मत भूलना। प्यारे से हार्ट की प्यारी प्यारी आंखें। बहुत बढ़िया दोस्तों। अब बॉर्डर को थोड़ा सा थिक कर दो, बिल्कुल ऐसे ही। शेप तो बन गए, अब चलो इनमें रंग भरें। सर्कल में भरो ब्राइट येलो कलर। अच्छा दोस्तों बताओ कौन सी वो चीज है जो सर्कल होती है? सोचो सोचो। हाँ, एक सन। पेंटिंग करके आ रहा है ना फन। सन के साथ साथ बॉल, अर्थ और कॉइंस भी सर्कल शेप में होते हैं। बहुत अच्छे। क्या बात है, बहुत अच्छा कर रहे हो दोस्तों। वुहू। तो ये बन गया हमारा येलो सर्कल। अब बढ़ो ट्रायंगल की ओर, जो होगा ग्रीन कलर का। तो अब बताओ ट्रायंगल शेप्स के कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं? पिज्जा स्लाइस होता है ट्रायंगल। मुझे पिज्जा बहुत पसंद है। पिरामिड, माउंटेन्स, नाचो चिप्स और पार्टी हैट्स भी ट्रायंगल होते हैं। ये बन गया हमारा ग्रीन ट्रायंगल। बढ़ते हैं हार्ट शेप की तरफ, जिसमें भरेंगे प्यारा सा पिंक। हार्ट शेप की कैंडीज मेरी फेवरेट है। वैसे हार्ट शेप बलून कितने प्यारे होते हैं ना।
हार्ट शेप का केक भी होता है। क्या आपको बर्थडे पार्टीज में केक खाना पसंद है? यम्मी। ये बन गया हमारा पिंक हार्ट। अब आखिर में स्क्वायर की बारी, जिसे हम भरेंगे ऑरेंज कलर से। अब बताओ स्क्वायर शेप में क्या क्या होता है? ब्रेड स्लाइस और कैरम बोर्ड होता है स्क्वायर शेप का। इंद्रधनुष में भी ऑरेंज कलर होता है। ये रहा हमारा ऑरेंज स्क्वायर। तो क्या आज आपको शेप सीखने में मजा आया? फिर मिलते हैं, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए चिकी आर्ट हिंदी।